नगर पालिका के मैदान पर बाल विद्या मंदिर स्कूल बनाम आजाद क्लब के बीच एक फ्रेंडली वॉलीबॉल मैच हुआ, जिसमें दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। आपको बता दें कि बेस्ट ऑफ फाइव मैच में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रहीं, जबकि फाइनल सेट में बाल विद्या मंदिर स्कूल ने आजाद क्लब को 3-2 से पछाड़कर जीत का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं बाल विद्या मंदिर स्कूल के कोच मनोज कुमार सिंह ने बताया कि लगातार बाल विद्या मंदिर स्कूल स्पोर्ट्स के मैदान में खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हुकूमत एक्सप्रेस। ओके, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, मैं बाल विद्या मंदिर में HOD फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक इस मैच का हमारा मकसद केवल एक दोस्ताना मैच कराना था, फ्रेंडली मैच कराना था, और यहाँ से कुछ बच्चे सीख कर जाएँ, यही मेरा उद्देश्य है। अब तक ये तीसरा सेट चल रहा है, जिसका 2 सेट वो टीम जो है हार गई है, बट बच्चों का जो प्रदर्शन है वो लाजवाब है। पहले सेट में 25-21 और दूसरे सेट में 25-20 से बच्चे पिछड़ रहे थे, अभी तीसरा मैच चल रहा है, देखते हैं क्या होता है इस अगले मैच में। बच्चे अभी लोकल स्तर पर अभी टीम की तैयारी चल रही है, और आगे चलकर एक बड़े लेवल पर ये बच्चे को तैयार करना, यही हमारा मकसद है। अभी हमारे पास जो एक पूरी फुल टीम है वॉलीबॉल की, इसके अलावा हमारे जो सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं, मींस हमारी दूसरी जो बेसिक टीम है छोटे बच्चे, उसको भी तैयार कर रहे हैं, दूसरी, जिससे हमारी दूसरी बेंच तैयार हो पाए।